प्रदेश के अमरोहा में दिन दहाड़े बदमाशों ने बड़ा तांडव मचाया। बदमाशों ने बच्चों से भरी स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की इस घटना से बस सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। बच्चे बुरी तरह डरे सहमे हुए हैं और क्षेत्र में अब भी हड़कंप मचा हुआ है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक ये घटना शुक्रवार सुबह गजरोला थाना क्षेत्र में हुई। तीन बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल की मिनी बस पर सामने से तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बस ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस तेजी से भगा दी और बस को सीधा थाने लेकर पहुंच गया। ये बस बीजेपी नेता के स्कूल की बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ड्राइवर मोंटी ने बताया कि जब वो बच्चों को स्कूल की ओर ले जा रहा था, तभी रास्ते में तीन बाइक सवार बदमाशों ने बस के आगे बाइक लगा दी और गाड़ी रोककर तमंचे से हमला किया। इस बस में 28 स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई। साथ में अंग्रेज से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 समथिंग, और जो है तीन मिनट में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। फिर गाड़ी बैर से भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। अच्छा, किसी को चोट उठ नहीं? बस नहीं, नहीं बच्चे तो गाड़ी भगाने से वैसे बच्चे सेफ है ना। तो कोई पुराना विवाद उनसे नहीं? कुछ जानते होने को जाँच न पड़ भाई, फिलहाल उनकी उन्होंने डांटे मारे। तो आपकी गाड़ी रुकी हुई थी या उन्होंने रोकी? नहीं, मेरी तो गाड़ी आई थी, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी आगे लगा के। हाँ, लगा। किस जगह की घटना है ये? नंगला से जो रास्ता खाद को आ रहा है। अच्छा, तो नंगला के आसपास। हाँ। तो फिर आप गाड़ी लेके आए तो आपके पीछे पीछे भी आए वो? हाँ, 1 किलोमीटर पीछे तक लगाए बाइक लेके। फिर मैंने गाड़ी खाद में ला के बांट दी अंदर, उसके बाद भाग गए। उसके बाद वो फिर वहाँ से बच्चे उतार के। अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर वैन के ड्राइवर पर फायरिंग की गई। आज सुबह गजरोला थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने यह सूचना दी कि स्कूल जाते समय दो तीन व्यक्तियों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से 4 दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था और इसी व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ में आज यहां पर ये घटना कारित की थी। ड्राइवर से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ड्राइवर ने फायरिंग की घटना को लेकर तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जांच जारी है। घटना के बाद से सभी छात्र छात्राएं बुरी तरह सहमे हुए हैं। सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटना में शामिल कुछ हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, अमरोहा।